हेलो एवरीवन, मैं यक सेठ आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट पॉपुलर ऑटोपुल प्लान, जो अपना खुद का टोकन ला चुका है, उसके प्लान के बारे में, उसके कैलकुलेशन के बारे में, उसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर किया है तो कितना करना चाहिए, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और जो चीज़ों क्लेम की जा रही है वो किस हद तक सही हो सकती है। जी बिल्कुल, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं बात कर रहा हूँ टी लाइफ कॉइन, जो टॉलविन लाइफ क्लेम कर रहा है कि उनका नया टोकन है। अभी तक ब्लॉकचेन पे टोकन नहीं आया है, बट उसके फार्म रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरू ऑलरेडी हो चुका है। सो आज पूरा ए टू जेड समझेंगे टी लाइफ कॉइन की, जितनी अनाउंसमेंट्स हुई है उससे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैंने सोचा, हम काफ़ी सालों से हमारी कम्युनिटी से कनेक्टेड है, कई लोग मुझे पर्सनली भी मिलते हैं, तो एक कम्युनिटी बिल्ड करते हैं व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो लिंक पे ज्वाइन कर लेना, तो हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। जो भी अपडेट्स होगी, बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं वहाँ पर कर पाऊँगा और हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। देखो, मैं बहुत सारे वीडियोस हम बनाते हैं यहाँ पे, 8 स्टेप टू स्टार्ट योर ओन क्रिप्टो करेंसी, 5 स्टेप्स टू स्टार्ट योर ओन MLM कंपनी, ये हमारे टॉप वीडियोस है, 63,000, 55,000, 30,000 व्यूज़ के साथ लोग हर रोज़ नॉलेज लेते हैं। टोटली फ्री कंटेंट है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन क्लिक करना है। आज ही सब्सक्राइब कर दो हमारी चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। शुरू करते हैं आज का वीडियो टी लाइफ कॉइन के बारे में। अब टॉलविन लाइफ का प्लान ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ पे पहुँच गए हो तो आपको पता होगा, एक ऑटोपुल प्लान है, उसमें किस तरह से अर्निंग होती है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हम देखते हैं। ये कुछ इंट्रोडक्शन है टी लाइफ कॉइन के बारे में, यहाँ पे लिखा है हम लोग क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन्स करवा के देंगे, ई कॉमर्स, एक्सचेंज, स्टेकिंग, फार्मिंग, BEP20 बेस्ड। सो BEP20 इज बाइनेंस स्मार्ट चेन का टोकन टेक्नोलॉजी है, तो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे ये करने वाले हैं। टोटल सप्लाई उन्होंने बोला है 21 मिलियन है, और उसमें से 10% वो लोग स्टेकिंग के लिए अलोकेट करेंगे, जो उनके टोकनॉमिक्स में आगे हम देख सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हम सबको पता है, हर एक कंपनी की स्लाइड में रहता है, ये उनका वो बता रहे टोकनॉमिक्स, ये इसको टोकनॉमिक्स नहीं बोलते, टोकनॉमिक्स आगे आएगा। ये कुछ ओवरव्यू है कि BEP20P सप्लाई स्टेकिंग के लिए ब्लॉकचेन BSC है, 8 डेसिमल है, जो ऑलरेडी हमने देख चुका। टोकन का सप्लाई, टोकनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, एक कंपनी कितना बेच रही है। यहाँ पे मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, फॉर स्टेकिंग को हम समझ सकते हैं कि ये सेल करने वाले, सो 10% कंपनी कितना रिवॉर्ड के लिए रख रही है, या दूसरी चीजों रिवॉर्ड के लिए रख रहे हैं, स्टेकिंग रिवॉर्ड, तो 10% स्टेक हो रहा है, 60% स्टेकिंग रिवॉर्ड है। सो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि भाई एक कॉइन स्टेक करने पे कंपनी ऐसा एज्यूम कर रही है कि 6 कॉइन का रिवॉर्ड जाना चाहिए, 1:6, ये रेशियो याद रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1:6 का रेशियो स्टेकिंग टू रिवॉर्ड का है टोकनॉमिक्स में। बाकी टीम के लिए 10% रख दिया, ट्रेजरी में 10% रख दिया, मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट में 10% रख दिया, 70 और 30 हो गया। सो मेनली हमने देखा स्टेकिंग और स्टेकिंग रिवॉर्ड। कुछ चीजें है कि कैसे क्या क्या होगा, जून जो अभी चल रहा है उसमें प्रोजेक्ट लॉन्च का है, फिर पब्लिक टोकन सेल जुलाई में बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ पब्लिक टोकन सेल आएगा, वहां पर डेक्स लिस्टिंग करेंगे वो लोग, स्टेकिंग और वो शुरू होगा। फिर उनका प्लानिंग है अगस्त में टोकन लिस्टिंग, सिक्योरिटी, CMC, वो सब चीज़ें करने का, प्रोजेक्ट अपग्रेडेशंस, टोकन लिस्टिंग और वो सब प्लान है, लार्ज एक्सचेंज लिस्टिंग टी लाइफ कॉइन। सो अभी आगे उनका ऐसा कहना है कि दे विल हैव देयर ओन एक्सचेंज, दे विल हैव देयर ओन वॉलेट, दे विल हैव देयर ओन 250 क्रिप्टो बाय मार्केट कैप, बहुत बड़ा क्लेम है, यहाँ दिख लेते हैं, 250 मतलब कॉइन मार्केट कैप में टॉप 250 में आएगा।
वो लोग अपना खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च करेंगे, गेमिंग प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च करेंगे। दिसंबर 2023 में ये सारी चीज़ें अगर वो कर सकते हैं, मतलब यहाँ से 6-7 महीने के अंदर, तो बहुत अच्छा कहलाता है। बाय द वे, वी आर ऑल्सो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट कंपनी, क्रिप्टो एक्सचेंज डेवलपमेंट कंपनी, MLM प्लान, क्रिप्टो एक्सचेंज, ब्लॉकचेन रिलेटेड कोई भी चीज़ डेवलप करनी है तो हमारी वेबसाइट है chainclave.com, हमारी MLM रिलेटेड वेबसाइट है MLM सर्विसेज, दोनों वेबसाइट पे जाइए, कोई भी सर्विस चाहिए आप ले सकते हो। ये हो गया उनका रोड मैप। अब हम देख लेते हैं बिजनेस प्लान। सो यहाँ पे एक फार्म है, फार्म पे रिवॉर्ड है, आप उसको फार्म बोलो, स्टेकिंग बोलो, जो भी बोलो, $30 का है, 0.6500 डेज के लिए हो रहा है। सो अल्टीमेटली ये 300% रिटर्न है 500 दिन में। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, वो आप टॉलविन में हो तो आपको आइडिया होगा ही। सेकेंड, $60 डबल फार्म टू, वहां पे 0.75 है 400 डेज के लिए, सेम 300%। सो अगर आप थोड़ा पैसा ज्यादा लगा रहे हो तो आपका 300% 400 दिन में आएगा, थोड़ा कम पैसा फार्म टू से कम लगा रहे हो तो आपका 300% 500 दिन में आएगा। ये कैलकुलेशन अभी बैठ रहा है। सो यहाँ पे क्या रेशियो बैठ रहा है, अपना टोकनॉमिक्स में क्या रेशियो था, 1:6, यहाँ पे रेशियो बैठ रहा है 1:3, एक के सामने तीन मिल रहा है। अब यहाँ पे कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं है कि जब कॉइन्स 500-400 दिन खत्म हो जाएंगे तब जो स्टेक कॉइन है या फार्म है वो पूरा पूरा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तीन प्रकार की इनकम है, स्पॉन्सर इनकम, लेवल इनकम, स्टेकिंग रिवॉर्ड। स्पॉन्सर इनकम में 0.75 जो $30 का है, सो सीधा 25% यहां चला गया। फार्म टू में भी 25%, सो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं कि स्पॉन्सर इनकम में गया 25%, फिर आ गया लेवल इनकम, लेवल टू टू लेवल सिक्स $1, सो ये हो गया $5, लेवल 7 से 11 $0.5, ये हो गया $2.5, ढाई और पांच हो गया 7.5, ये भी 25% चला गया लेवल इनकम में। सो लेवल इनकम में और 25% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो जो पैसा आ रहा है, जितने डॉलर के टोकन्स आ रहे हैं, उसमें से 50% तो ऑलरेडी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सिर्फ दो इनकम में। मतलब अगर आप $30 स्टेक कर रहे हो तो कंपनी के पास $15 के टोकन बच रहे हैं, $15 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। सो पहले क्या था, $100 डाला, 300% रिटर्न मिल रहा था, $300 हो रहे थे। अब मैंने $100 डाला, $300 मिल रहा है, बट कंपनी के पास $50 है और कंपनी को $50 का $300 करना है, तो 50 का 300 हो गया 6 times। तो हमारे टोकनॉमिक्स में जो 1:6 का रेशियो था, ये दो इनकम में ही खत्म हो गया है। सो यहाँ पे अगर ये दो इनकम को निकाल दे तो जो हमारा 1:3 का रेशियो था वो बन जाता है 1:6 का रेशियो। क्लियर हो रहा है आपको? विजुअली नहीं दिख रहा होगा, मैं जो बोलता जा रहा हूं आपको साथ में लिखते जाना, तो लिखते जाना, मैं भी लिख रहा हूं। स्टेकिंग रिवॉर्ड, अब जो लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन होना है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 60% डिस्ट्रीब्यूशन है ना, 60%। मतलब मैं $100 इन्वेस्ट कर रहा हूं, उस पर मुझे जो $300 मिलना है वो $300 का 60%, मतलब $180 टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो 300% का और 180%, मतलब 480% डिस्ट्रीब्यूशन है डेली, मतलब वो दिन 500 दिन तक। सो यहां पे हमारे पास स्टेकिंग के सामने जो स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो तकरीबन बैठ रहा है one raise to nine ratio. सो ये इनकम थी, इनकम कंप्लीट हो गई। यहां पे मुझे बहुत लग रहा है, बट डायरेक्ट MLM में ये रहता ही है, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा प्राइस राइज के बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने उनकी इकोसिस्टम बता दी है, जो हमने पहले बताया कि टॉलविन पेमेंट, टॉलविन एक्सचेंज,
टी लाइफ कॉइन, टॉलविन स्वैप, गेम, ये सब चीज़ें आने वाली है। वो लोग उनका खुद का डेबिट कार्ड लाने वाले हैं, उनका खुद का एक्सचेंज लाने वाले हैं, उनका खुद का वॉलेट लाने वाले हैं, गेम जोन लाने वाले हैं, उनके कुछ पार्टनर्स जो होंगे, अभी नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ आपको बिजनेस ज्वाइन करना हो तो इस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। तो ये कुछ डिटेल्स थी टी लाइफ कॉइन के बारे में। अब टी लाइफ कॉइन में पर्सनली अगर आप ऑलरेडी टॉलविन से जुड़े हुए हो, अगर आपकी ऑलरेडी टीम है और आप इसको करने का सोच रहे हो, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको लोगों को ट्रस्ट होगा। पर आप कोई नए इंसान हो तो आपको बहुत सोच समझ के चीजें करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो में सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर, उसके टोकनॉमिक्स, बाइंग प्रेशर और डिस्ट्रीब्यूशन से डिसाइड होता है। मतलब 1:9 का रेशियो हमारे कैलकुलेशन में जो बैठ रहा है, पहले महीने अगर कंपनी $1,00,000 का बिजनेस करेगी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये मैंने सोचा भी नहीं था, अभी थॉट आया है चालू वीडियो में, एज्यूम करते हैं $1,00,000 का बिजनेस जनवरी में कंपनी ने किया। अब उसको आने वाले 400 दिन में 9 घना करना है, 9 times। सो 400 दिन को 9 से अपन डिवाइड करते हैं, ऑलमोस्ट 44। तो 44 डेज में 1,00,000 डिस्ट्रीब्यूट करने का होगा। मतलब 30 डेज में 1,00,000 आ रहा है और वही 1,00,000 44 डेज में डिस्ट्रीब्यूट करने का आएगा। अब अगर और नेक्स्ट मंथ है 1,00,000 आया तो कंपनी के पास 2,00,000 आया और कंपनी को और 44 डेज में 1,00,000 पुराने वाला और 1,00,000 ही है, 2,00,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। समझ रहे हो? ये महीने 1,00,000 आया तो 2 महीने में ही कंपनी के फंड्स को दिक्कत आनी हो सकती है। समझे आप मेरा कैलकुलेशन? जनवरी में 1,00,000 का बिजनेस आया, अब वो जो 1,00,000 का बिजनेस जिन्होंने दिया है, आने वाले 400 दिन तक हर 44 डेज में उनको 9 times 400 दिन में करना है, तो हर 44 डेज में 100 गुना डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब ये विजुअली पता नहीं चलेगा क्योंकि कुछ लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कुछ उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसमें मेरा सजेशन ये था कि लेवल इनकम जो है ना, उसमें उनको कंडीशंस रखनी चाहिए थी कि भाई दो स्पॉन्सर करोगे तब लेवल खुलेगा, ये करोगे तब ये होगा, तो कुछ ज्यादा हो पाता। तो अगर उनका बिजनेस स्टेडी भी रह रहा है 1,00,000 पर मंथ, तो 2 से 3 महीने में ये प्लान क्रैश डाउन हो सकता है। दूसरा, कॉइन की प्राइस बढ़ेगी तो और चीजें बिगड़ सकती है। ये प्योर नंबर्स। अब हम प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। प्रैक्टिकली हर कोई विड्रॉ नहीं करता, प्रैक्टिकली हर कोई इसको बेचने नहीं चला जाएगा पहले के पहले दिन। तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि 6 से 8 महीना इसमें दिक्कत नहीं आएगी या 1 साल तक, बट बाद में टोकन प्राइस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर 2 गुना 3 गुना बिजनेस हर महीने नहीं आ रहा है, हर महीने 2 times 3 times बिजनेस चाहिए, तो सोच समझ के आपका रिसर्च करके इन्वेस्ट करिएगा। बाकी अगर आपने व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक नहीं ज्वाइन करी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कर लो। ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आपको ऐसी ही नॉलेज मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।